नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में चुनावी सभा होगी। यह सभा चाईबासा में होगी। मई के पहले सप्ताह में चुनावी सभा होने की उम्मीद है। हालांकि अभी उनके कार्यक्रम की आधिकारिक रूपरेखा तय नहीं हुई है, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि पहली चुनावी सभा चाईबासा में ही होगी, जहां वह गीता कोड़ा के लिए लोगों से मत देने की अपील करेंगे। झारखंड आने का उनका कार्यक्रम जल्द ही फाइनल होगा। भाजपा की प्रदेश कमेटी को केंद्रीय कमेटी की ओर से निर्देश मिल गया है। देश में जब मतदान का चौथा चरण होगा, तब झारखंड में पहला चरण होगा। इस लिहाज से झारखंड में चौथे चरण में मतदान होगा। यह मतदान 13 मई को होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 13 मई को 4 लोकसभा सीटों में मतदान होगा। ये सीटें सिंहभूम, पलामू, खूंटी और लोहरदगा है। इसमें से सिंहभूम ऐसी सीट है जो भाजपा के लिए चैलेंजिंग बना हुआ है। इसी सीट को साधने के लिए पीएम मोदी की सभा होगी। भाजपा सूत्र के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए कोल्हान और सदान दो ऐसे क्षेत्र हैं जो चुनौती भरा रहता है। संधान में पार्टी तो फिर भी कुछ हद तक मजबूत है, पर कोल्हान एकदम अलग है। इसी को साधने के लिए भाजपा ने गीता कोड़ा को टिकट दिया है। हालांकि स्थानीय वोटर गीता कोड़ा से नाराज चल रहे हैं, इस वजह से यह सीट थोड़ा मुश्किलों में है। इसी को साधने के लिए यहाँ पीएम मोदी की सभा रखी जा रही है। पार्टी सूत्र ने संथाल में भी मोदी की सभा होने की बात कही है। पहले चरण के मतदान के लिए चारों लोकसभा में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब उम्मीदवार 29 अप्रैल तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इस बीच स्क्रूटनी के बाद 47 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। विभिन्न कारणों से 18 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। सिंहभूम लोकसभा के लिए 21 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिसमें से 7 के नामांकन रद्द हो गए। मैदान में 14 बचे हैं। इसी तरह पलामू में 11 ने नामांकन पत्र भरा, यहां एक भी आवेदन रद्द नहीं हुआ है। खूंटी में 16 ने नामांकन भरा, 9 रद्द हुए। चुनावी मैदान में 7 उम्मीदवार बचे हैं। लोहरदगा लोकसभा की बात करें तो यहाँ नामांकन के 17 आवेदन में 2 रद्द किए गए। 15 प्रत्याशी मैदान में है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।